हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स मसाला। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास सिक्स का एक्सरसाइज 10.1 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें लेसन का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। हमें पढ़ना है कि हम कैसे दो लाइन को कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है हमारा कंपेयर टू लाइन सेगमेंट्स बाई। हमें दो लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करना है, तुलना करना है। तो देखिए, दो लाइन को जब तुलना करते हैं तो उसका दो तरीका होता है दोस्तों। पहला होता है ऑब्जर्वेशन विधि से और दूसरा होता है ट्रेसिंग विधि से। ऑब्जर्वेशन विधि को बोलते हैं अवलोकन विधि और ट्रेसिंग विधि को बोलते हैं अनुरेखण विधि। तो आइए दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जर्वेशन विधि को। तो इसमें दो टाइप का कंडीशन होता है। पहला कंडीशन अवलोकन, मतलब होता है दोस्तों आपको केवल देख के बताना है कि कौन सा लाइन बिग है और कौन सा लाइन स्मॉल है। तो कंडीशन वन में यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट दिया गया है, आप इसको देख के बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा लाइन बिग है, कौन सा स्मॉल है। तो दोस्तों, ये लाइन स्मॉल है और ये लाइन बिग है, आपको दिख ही रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। कंडीशन टू में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दो लाइन्स दिया गया है। इन दो लाइंस को आप देख के थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा लाइन बड़ा है, कौन सा छोटा है। दोस्तों, अब सेकंड है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग में क्या होता है, आपको किसी पेपर का यूज़ करना है। ट्रेसिंग पेपर जैसे मेरे पास है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इस लाइन को देखेंगे, ये लाइन कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा और यहाँ तक ये आ गया, यहाँ तक। अब दोस्तों, दूसरी लाइन को जब देखते हैं तो ये लाइन क्या है दोस्तों, ये लाइन यहाँ तक आया, मतलब ये लाइन बड़ी है। तो इस विधि को हम लोग ट्रेसिंग बोलते हैं या हिंदी में अनुरेखण बोलते हैं। दोस्तों, लाइन को कंपेयर करने का ये दोनों तरीका अच्छा होता है, लेकिन इन दोनों में गलती होने की संभावना भी बनी रहती है। जैसे कंडीशन वन में तो आएगा तो आप समझ सकते हैं, लेकिन कंडीशन टू में अगर आ गया इस तरीके से तो इसमें गलती होने की संभावना रहती है। ट्रेसिंग में भी दोस्तों गलती होने की संभावना रहती है। इसका जो सबसे अच्छा विधि है वो होता है ट्रेसिंग बाई स्केल। जब आप स्केल से ट्रेस करते हो तो उसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रह जाती, क्योंकि जो भी इसका लाइन सेगमेंट का जो लंबाई होता है, लेंथ होता है, वो आपको किस में मिलेगा, वो आपको मिलेगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे गलत होने की संभावना नहीं रह जाती। तो चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन इस लेसन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय ऑब्जर्वेशन। यानी कि अगर आप ऑब्जर्वेशन से लाइन सेगमेंट को कंपेयर करते हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो दोस्तों, इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आप प्रॉपर व्यू आपका नहीं है, आपका अगर प्रॉपर व्यू अगर आपका नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे गलती होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि चांसेस ऑफ एरर्स, इसका आंसर हो जाएगा चांसेस ऑफ एरर, यानी कि गलती होने की संभावना, एरर्स ड्यू टू इम प्रॉपर व्यूइंग आर मोर। अब दोस्तों, इसको इस आंसर को थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। कहता है कि यहाँ से दोस्तों आपका आंसर होगा, चांसेस ऑफ एरर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग आर मोर। अगर आप ध्यान से नहीं देखते हैं या कोई भी मिस्टेक होता है तो क्या होगा, गलती एरर होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, ये आपका हो गया पहले का आंसर। तो दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एरर कैन अकर इफ वीविंग द मार्क ऑन रूलर इज नॉट प्रॉपर। मतलब यदि आप रूलर को सही से नहीं मार्क करते हो तो वो कैसी गलती होने की संभावना होती है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा पोजिशनिंग, TION INGing, पोजिशनिंग एरर। अभी पोजिशनिंग एरर दोस्तों होता कैसे है, आइए इसको देख लेते हैं। जैसे ये हमारा एक दोस्तों स्केल है, स्केल काफ़ी पुराना है बट आप ध्यान दीजिएगा। आपको दोस्तों देखिए, मान लीजिए ये आपका आई है, ठीक है, ये आपका आई है।
आपको अगर 6 सेंटीमीटर पे लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे? जैसे ये आपका ये, और इधर यदि आप 6 सेंटीमीटर को करते हैं ऐसे, तो ये गलत तरीका होगा। या मान लीजिए ये आपका आई है, आप 6 सेंटीमीटर आपको मार्क करना है, आप ऐसे रखेंगे तो ये भी क्या हो गया, ये भी तिरछा हो गया, तो ये भी आपका गलत पोजीशन होता है। पोजीशन में कभी भी आपको देखना हो तो बिल्कुल आई के सामने रखिए, बिल्कुल सामने। ठीक है दोस्तों, आई के सामने जब रहेगा 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप मार्क करेंगे तो ये आपका बिल्कुल जैसे बिल्कुल सीधा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही हो, ये आपका पोजीशन सही होता है। तो आप समझ गए होंगे कि पोजीशनिंग एरर होता है। अगर आप देखेंगे साइड से तो वो 6 सेंटीमीटर से कुछ ज़्यादा आ सकता है या कुछ कम आ सकता है, लेकिन जब सीधा सीधे आप देखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो दोस्तों इसी को कहा गया है पोजीशनिंग एरर। दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है, यूजिंग डिवाइडर कंपेयर लाइन सेगमेंट्स बाय यूजिंग स्मॉलर देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो दोस्तों यहाँ पे आपको तुलना करके बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो दोस्तों पहला है ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट बी सी का हम लोग तुलना करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आपका है ए और ये आपका है बी। तो ए बी और बी सी की तुलना करके देखते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। तो दोस्तों जुगाड़ का हम लोग काम करने वाले हैं क्योंकि इस समय डिवाइडर नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे पेंसिल से और एक इसका जो है इसमें जो है लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ए बी है, ए और बी, ये इतना है और इसी के इक्वल में बी सी भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं तो बी सी यानी कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल होगा। दोस्तों आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे बराबर का निशान लगा देंगे। दूसरा है दोस्तों बी ई और ई सी, तो बी ई को आप पहले तुलना कर लीजिए, बी ई तो बी और ई, बी ई को आप तुलना कर लेंगे, बी ई हो गया इतना, अब आपको ई सी देखना है। तो ई सी दोस्तों यहाँ पे है, तो ई सी हमको पता चल रहा है कि ई सी जो है वो बिगर नंबर है, यानी कि ई सी में आपको इधर ग्रेटर देन लगाना होगा। ऐसे दोस्तों बी ई और सी डी को देखेंगे, तो बी ई, बी और ई, ये देखिए दोस्तों बी और ई को यहाँ पे तुलना करेंगे, और दोस्तों किससे करना है, बी ई और सी डी को। तो सी डी को जब करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों ये बी और डी, यानी कि यहाँ पे छोटा है बी डी छोटा है और ई सी क्या है बड़ा लाइन होगा। तो आपको यहाँ पे बी ई के तरफ मुंह खोलना है। फिर दोस्तों कहता है ए बी और ई सी, तो ए बी और ई सी को जब आप देखेंगे तो ए बी और ई सी, तो दोस्तों ए बी छोटा है और ई सी बड़ा है, तो ये आप देख के ही पहचान सकते हैं कि ये आप ऑब्जर्वेशन से आप इसको कर सकते हैं। तो ए बी यहाँ पे आपका छोटा लाइन है दोस्तों, सॉरी फॉर दिस, ए बी आपका छोटा लाइन है और ई सी आपका बड़ा लाइन है, तो ई सी आपका बिगर होगा। दोस्तों दोनों ही एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सी ई, सी और ई ये लाइन, और बी डी, बी डी। दोस्तों ये तुलना आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप मेजर करना पड़ेगा आपको। तो सी ई जब आप इसको करेंगे, सी ई, और उसके बाद आप बी डी को जब करेंगे, बी और डी, तो दोस्तों यहाँ पे जो सी ई है ये बिगर लाइन होगा, यानी कि सी ई की तरफ आपका ऐसे खुला रहेगा मुंह। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट 3.4 सेंटीमीटर और 5.8 सेंटीमीटर। दोस्तों बहुत इजी होता है, आपको क्या करना है, आपको 3.4 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको बनाना है बाय द यूजिंग ऑफ स्केल, यानी कि आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे और 3.4 सेंटीमीटर बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास स्केल है, यहीं पे आपको मैं बना देता हूँ 3.4 सेंटीमीटर। दोस्तों आप जानते हैं हमेशा ये स्टार्ट होता है यहाँ से, यहाँ से। दोस्तों स्केल को उल्टा किया हूँ क्योंकि लंबा स्केल है,
ये इधर आ नहीं पाएगा। तो देखिए 3.4 सेंटीमीटर कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। और दोस्तों कहाँ तक आएगा, पहले आप पॉइंट लगा लीजिए। 3.4 कहता है दोस्तों, देखिए 3 है ना, 0 1 2 3, और 0.4 जब आएगा तो देखिए 1 2 3 4, यानी कि ये पॉइंट यहाँ तक आएगा दोस्तों, यहाँ तक। आपको करना क्या है, आपको यहाँ से और यहाँ तक केवल ऐसे मिला देना है। ये आपका 3.4 सेंटीमीटर बन गया। आप इसको ए बी कह सकते हो, ए बी कितना हो गया दोस्तों, 3.4 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट आपका है 5.8 सेंटीमीटर, तो 5.8 सेंटीमीटर दोस्तों यहीं पे आप बना सकते हैं इसके नीचे। कैसे बनेगा दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, 0 यहाँ पे है और 5.8, यानी कि 5 कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे 5.8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 5.8 दोस्तों यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ से आपको यहाँ पे केवल मिला देना है। ये आपका बन गया 5.8 सेंटीमीटर। आप इसका नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं इसको, एक्स वाई नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन कहता है वेरीफाई इफ बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए जी। कहता है कि ये आप वेरीफाई कीजिए कि बी क्या ए जी का मिड पॉइंट है। दोस्तों इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। आपको देखना है कि क्या ए बी और बी जी इक्वल है, तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बी। ये दोस्तों इसका जो मतलब नाप है वो मिल गया हमको इसका जो है। अब दोस्तों यहीं पे ये जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे देखा ऐसे, यहाँ से और यहाँ तक, थोड़ा दोस्तों देख लेते हैं एक मिनट, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे जो आप करेंगे तो ये आपका आ रहा है, तो ये आपका जो है वो इक्वल ही होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो यस यस बी इज, बाकी दोस्तों यही यही लिख देना है, मिड पॉइंट ऑफ ए जी। अगला है दोस्तों, क्वेश्चन है, कहता है इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, वेयर ए बी सी डी लाइन इन स्ट्रेट लाइन, इज ए बी इज इक्वल टू सी डी। कहता है इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो दोस्तों सबसे पहले हम ए सी बनाएंगे। मान लीजिए हमने ए सी बना लिया, ए सी यहाँ पे स्केल का यूज नहीं करेंगे दोस्तों, ये आपका ए सी है। और कहता है ए सी का मिड पॉइंट क्या है, बी है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट बी है और ए सी का मिड पॉइंट है, यानी कि ए बी इजक्वल टू बी सी होगा। यहाँ पे हमको क्या मिला, ए बी इजक्वल टू बी सी मिला। अब दोस्तों कहता है एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब बी डी तो इसको एक्सटेंड करेंगे दोस्तों, एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक, और यहाँ पे बनाएंगे डी, डी बनाएंगे। और कहता है कि जो सी है ये बी सी का मिड पॉइंट है, यानी कि इस स्टेटमेंट से हमको मिला बी सी इजक्वल टू सी डी, बी सी इजक्वल टू सी डी। यहाँ पे दोस्तों ये आपका लाइन है, तो आप ऐसे खींच लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है क्या ए बी सी डी स्ट्रेट लाइन में है, तो इसका हो जाएगा यस, स्ट्रेट लाइन में तो है दोस्तों, तभी तो इक्वल हुआ। अब कहता है इज ए बी इजक्वल टू सी डी, तो देखिए अगर ए बी बी सी के इक्वल है तो यहाँ बी सी बी सी के इक्वल होगा और बी सी सी डी के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे इसका, यस, इसका भी आंसर आएगा यस, लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट सी डी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल मैथ्स मसाला को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।